दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम हमेशा के लिए हमें याद करा जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ ही दिन पहले दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी के बारे में। दोस्तों, ये वही गौतम अडानी है जिन्हें अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी और बहुत ही छोटी उम्र में ये मुंबई आ गए थे। आज वही गौतम अडानी एयरपोर्ट से लेके बंदरगाह तक, कोयले की खदान से लेके घरों में बनने वाले तेल तक, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसों के मालिक हैं। गौतम अडानी का जन्म सन 1962 में अहमदाबाद के एक गरीब परिवार में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के छोटी सी उम्र में मुंबई आ गए। मुंबई आके उन्होंने एक डायमंड ब्रोकरेज कंपनी में काम किया। 2-3 वर्ष अनुभव करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। परंतु गौतम अडानी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया सन 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने अहमदाबाद में प्लास्टिक की कंपनी स्टार्ट की और उन्हें अहमदाबाद बुला लिया। दरअसल उनके बड़े भाई को कंपनी में प्रोडक्ट्स की पैकिंग के लिए कच्चे माल की कमी आ रही थी। अडानी ने कंडला बंदरगाह से बहुत सारे नेटवर्क स्थापित किए और फिर क्या था, धंधा चल पड़ा और यहीं से शुरू हुआ अडानी इंटरप्राइजेस। देखते ही देखते अडानी का बिजनेस भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर बहुत सारे देशों में फैल गया। और फिर समय आया साल 1995। इसी साल गुजरात सरकार फूड एक्सपोर्ट्स के लिए प्राइवेट कंपनियां ढूंढ रही थी। गौतम अडानी को जैसे ही ये पता चला तो उन्होंने मुंद्रा बंदरगाह ही खरीद लिया। ये वो बंदरगाह था जहां से भारत के 1/4 माल की आवाजाही होती थी। देखते ही देखते अडानी का बिजनेस आसमान छूने लगा और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखा। इसके बाद अडानी ने जनवरी 1999 में बिलमार कंपनी के साथ मिलकर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल फॉर्च्यून कंपनी स्टार्ट की। दोस्तों, अडानी ग्रुप्स ने बहुत सारे राज्यों में बिजली पहुंचाने का काम भी शुरू किया। दोस्तों, अगर लगन, मेहनत और सच्ची ईमानदारी के साथ कोई काम करे तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते, और ये साबित करके दिखाया है गौतम अडानी ने। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।